हाय एवरीवन, आज मैं 12th क्लास के लिए सेकेंड टॉपिक लेके आई हूँ, लेंस लॉ। बेटा, लेंस लॉ जितना मेरा टीचिंग करियर रहा है और अगर आप बोर्ड्स के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन उठा के देखेंगे तो लेंस लॉ पे बेस्ड एक ना एक क्वेश्चन आता ही है जिसके अंदर आपको इंड्यूस करंट का डायरेक्शन निकालना होता है। तो ये टॉपिक जितना फेमस है उतना ही बच्चों के बीच में ये कन्फ्यूजन भी क्रिएट करता है। मैक्सिमम बच्चों को डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट निकालने में प्रॉब्लम आती है। तो मैं आज आपके लिए प्रीवियस ईयर बोर्ड्स के वो क्वेश्चन लेके आई हूँ जिनको बहुत बार बोर्ड्स में पूछा गया है। हर एक बच्चा मेरे साथ वो क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से देखेगा। मैं एक एक स्टेप को बहुत आराम से बताऊंगी और उसके बाद लेट मी नो ऑन द कमेंट सेक्शन, ये क्वेश्चंस को देखने के बाद क्या आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया है, क्या आपको इस टॉपिक में कॉन्फिडेंस आ गया है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए, सो हियर इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। बेटा, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर पासिस नॉर्मली थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर लूप। सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, एक सर्कुलर लूप बना लेंगे। ये देखिए, ये मैंने एक सर्कुलर लूप बना लिया, ठीक है। अब क्वेश्चन को फिर से रीड करें। एक लंबा सीधा वायर इस स्ट्रेट करंट कैर ये जो नॉर्मल स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है इस सर्कुलर लूप के सेंटर से पास हो रहा है। तो अगर मैं इसका 3D डायग्राम बनाना चाहूँ तो बेटा ये लूप है जो कि इसके थ्रू पास हो रहा है, ठीक है। आ रही बात समझ में? इफ द करंट थ्रू द वायर इंक्रीजेस, और ये जो करंट है, जो स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है इसके थ्रू जो करंट है, ये करंट कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, तो विल देयर बी एनी इंड्यूस्ड EMF इन द लूप जस्टिफाई। तो बेटा, इंड्यूस्ड EMF, अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म इंड्यूस्ड EMF और इंड्यूस्ड EMF किस पर डिपेंड करता है, तो बेटा इंड्यूस्ड EMF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। सीधी सरल भाषा में लिखना चाहो तो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d∅/dt, ठीक है। ये मैग्नेटिक फ्लक्स का सिंबल होता है फाइ। अब आप अगर इस करंट कैरिंग लूप में मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस निकालेंगे, सबसे पहले ये करंट कैरिंग वायर है, हमने ये भी पढ़ा है कि हर एक करंट कैरिंग वायर बिहेव लाइक अ मैग्नेट। तो इस करंट कैरिंग वायर में चारों तरफ क्या मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस प्रोड्यूस हो जाएगी, उसका डायरेक्शन आप सबको कैसे निकालना है। यू हैव टू टेक आउट योर राइट हैंड, सीधे हाथ की थंब को आपको करंट कैरिंग लूप, जो करंट कैरिंग वायर है उसके डायरेक्शन में रख दीजिए। तो ये जो फिंगर कर्ल जब होगी तो ये कर्लिंग फिंगर विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस। मैंने ये जो स्ट्रेट वायर है उसको कौन से डायरेक्शन, ये जो थंब है ये स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है। तो मेरी कर्लिंग फिंगर क्या दे रही है मुझे, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस का डायरेक्शन दे रही है। तो बेटा वो आ रहा है ये, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस जो कि सीधे वायर के कारण है। और बेटा ये तो आपका लूप है। एनी कन्फ्यूजन यहाँ तक? आई थिंक यहाँ पे समझ में आ रहा है ना। अगर आप फ्लक्स का फॉर्मूला रखते हैं बेटा, वो होता है BA cos θ। वॉट इज कॉस थीटा ओवर है बेटा? थीटा इज द एंगल बिटवीन बी एंड ए। मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में जो एंगल होता है वो थीटा होता है। अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखते हैं तो यू विल फाइंड कि मैग्नेटिक लाइन, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जो लूप है उसी प्लेन में है ऐसे इन सर्कल, और इस लूप का एरिया वेक्टर क्या आएगा, परपेंडिकुलर टू दिस मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस। तो बेटा इसके अंदर बी और ए के बीच में डायरेक्शन क्या है, दे आर परपेंडिकुलर। और अगर आप फाई की वैल्यू इसके अंदर पुट कर देते हैं BA cos 90 degree, तो बेटा आपका फाई मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू आ गई 0, बिकॉज cos 90 इज 0। तो इज देयर एनी चेंज इन फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज 0, बिकॉज फ्लक्स ही 0 है। तो बेटा जब अगर आपका फ्लक्स 0 है तो क्या EMF इंड्यूस होगा, आंसर इज नो, ठीक है। नो EMF विल बी इंड्यूस बिकॉज देयर इज नो चेंज इन फ्लक्स और द फ्लक्स इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। इज दिस क्वेश्चन क्लियर टू एवरीवन? मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस आर इन द प्लेन ऑफ लूप और उस प्लेन के परपेंडिकुलर आपके एरिया वेक्टर है। तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस के बीच में 90 डिग्री एंगल है, सब बच्चे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बट ये डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड्स में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, आराम से सुनो। यूज लेंज लॉ टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन द सिचुएशन डिस्क्राइब बाय फिगर। लेंज लॉ क्या कहता है, अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज लेंज लॉ, बेटा लेंज लॉ ये बताता है कि जो करंट है वो किस डायरेक्शन में इंड्यूस होता है, वो हमेशा जो उसका कॉज होता है उस कॉज को अपोज करता है। ध्यान से सुनिए, अगर फैराडे का लॉ पढ़ते हैं तो फैराडे लॉ ये कहता है कि वेन एवर देर इज अ चेंज इन फ्लक्स, जब भी फ्लक्स लिंक विद द कॉइल चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। ठीक है, हमने ये पढ़ा है ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, करंट प्रोड्यूस होगा। तो व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट हमेशा अपने कॉज को अपोज करता है। मतलब अगर डी फाई बाई डी टी चेंज इन फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो वो उस डायरेक्शन में मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस प्रोड्यूस करेगा जो इस चेंज को अपोज करे। ध्यान से सुनो, अभी क्वेश्चन के साथ देखोगे तो बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। क्वेश्चन के साथ देखना स्टार्ट करो मेरे, ठीक है। तो अगर ये पहला क्वेश्चन है, वायर ऑफ इरेगुलर शेप टर्निंग इनटू अ सर्कुलर लूप, एक वायर दे रखी है आपको इरेगुलर शेप की और वो सर्किल में कन्वर्ट होने जा रही है। बेटा सर्किल में जब कन्वर्ट होगी तो इसमें जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेज, ये इस डायरेक्शन में आप इसको खींच रहे हो, ऐसे खींच रहे हो, जब इसको इस तरीके से खींचोगे तो इसके अंदर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेज बढ़ रही है। ठीक है, ये शेप ये अक्वायर कर लेगा, इनिशियली इसकी शेप कैसी है, ऐसी। ठीक है, तो क्या हो रहा है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस इंक्रीज कर रहा है। बेटा इंक्रीज को आप जब भी मेरे क्वेश्चंस में देखोगे मैं एरो से शो करूंगी, मतलब बी इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, बी इंक्रीज कर रहा है तो क्या आप कह सकते हैं फ्लक्स भी इंक्रीज करेगा। लेंज लॉ क्या कहता है, ये जो फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है उसके कारण ईएमएफ इंड्यूस होने वाला है, करंट प्रोड्यूस होने वाला है। लेंज लॉ ये इंक्रीज इन मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस को डिक्रीज करना चाहेगा, अपोज करेगा। ठीक है, लेंज लॉ है ही ऐसा, जो उसको पैदा करता है करंट इंड्यूस हुआ किसके कारण, इंक्रीजिंग मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस, तो वो अपने ही जिसने उसको पैदा किया है उसको ही अपोज करता है, उसको ही मारना चाहता है। कैसे मारेगा, बाय प्रोड्यूसिंग द करंट इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द इंक्रीजिंग मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस। तो अगर ये क्रॉस क्या रिप्रेजेंट करता है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस अंदर की तरफ बढ़ रही है, ये अंदर की तरफ, तो ये किस तरफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस बनाना चाहेगा, बेटा एक मिनट रुकेंगे, ये बनाना चाहेगा मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस बाहर की तरफ। ठीक है, अपोज करना चाहता है ना। अगर आप अपने फिंगर ये राइट हैंड को निकालेंगे, राइट हैंड के थंब को पॉइंट करोगे इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस जो कि बाहर की तरफ निकल रही है, तो बेटा इससे करंट का डायरेक्शन आएगा एंटी क्लॉकवाइज। क्या डायरेक्शन आएगा, एंटी क्लॉकवाइज। क्या सब बच्चे समझ पा रहे, आर यू गेटिंग दिस और नॉट। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस बाहर की तरफ प्रोड्यूस करेगा, क्यों प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि अंदर की तरफ की मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस बढ़ रही है, तो वो इस कॉज को इस चेंज को अपोज करेगा। कैसे अपोज करेगा, बाय प्रोड्यूसिंग द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस इन अपोजिट डायरेक्शन। उसने बाहर की तरफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस निकाली तो उससे हमारा करंट का डायरेक्शन, मैंने राइट हैंड थंब रूल लगाया, मैंने अपने थंब को पॉइंट किया इन अ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस और मेरी कर्लिंग फिंगर ने इस बार मुझे इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन दिया जो कि एंटी क्लॉकवाइज है। और इधर से अगर आप बी टर्म में लिखना चाहें तो आप क्या लिखेंगे, करंट कहाँ से कहाँ फ्लो हो रहा है, ए डी सी बी ए, क्या बोलते हो, दिख रहा है सबको, कैन यू सी दिस, इज दिस क्लियर टू एवरीवन, हाँ ए डी सी बी ए। ठीक है, चलो बढ़े आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये आपके फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। अब हम सेकेंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बेटा सेकेंड क्वेश्चन में क्या हो रहा है, हम जो फोर्स इस तरीके से लगा रहे हैं, ये जो सर्कुलर लूप है उसको छोटा कर रहे हैं, अ सर्कुलर लूप बिंग डिफॉर्म्ड इंटू अ नैरो स्ट्रेट लाइन।
इस बार क्या हो रहा है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस बाहर की तरफ है, ठीक है, ये बाहर की तरफ है जो कि ये डिक्रीज हो रही है। अब क्या होगा, ये इस चेंज को अपोज करेगा। लेंज़ लॉ क्या कहता है, हमेशा करंट उस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा कि ये अपने ही कॉज को अपोज करेगा। ये ऐसा फ्रेंड है, जब आप नीचे गिरते हो तो ये आपको उठाता है और जब आप ऊपर चढ़ रहे होते हो तो आपको नीचे गिराता है। तो अभी क्या हो रहा है, आप नीचे गिर रहे हो मतलब करंट डिक्रीज हो रहा है, तो ये क्या करेगा, भैया हम आपको डिक्रीज नहीं होने देंगे। तो ये उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस को प्रोड्यूस करेगा, सो दैट कि ये डिक्रीमेंट जो है, जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस रिड्यूस हो रही है, उसको डिक्रीज नहीं होने देगा बाय प्रोड्यूसिंग द करंट इन द सेम डायरेक्शन, सो दैट मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस बाहर की तरफ ही आए। तो बेटा इस तरीके से ये बाहर आ रही है, फिर से आपका करंट क्या आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, ठीक है। इस बार करंट का डायरेक्शन फिर से लिखोगे तो क्या आएगा, ए डी सी बी ए से। पहले पार्ट में बच्चे करंट मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस इंक्रीज हो रही थी, तो लेंज लॉ ने उस इंक्रीमेंट को अपोज किया बाय प्रोड्यूसिंग द करंट इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द इंक्रीमेंट ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस अंदर की तरफ बढ़ रही थी, तो उसने मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस बाहर की तरफ प्रोड्यूस करी और बाहर की तरफ का हमने करंट का डायरेक्शन निकाला। सेकेंड क्वेश्चन में मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस जो बाहर की तरफ है वो डिक्रीज हो रही है, तो लेंज लॉ उसको अपोज करेगा। कैसे करेगा, सेम डायरेक्शन में मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स को प्रोड्यूस करके। तो उससे आपने फिर से राइट हैंड थंब रूल से उसका डायरेक्शन निकाला। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ बार मैग्नेट इज मूव्ड इन अ डायरेक्शन इंडिकेटेड बाय द एरो बिटवीन टू कॉइल पी क्यू एंड सी डी। प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन ईच कॉइल। हर एक कॉइल में करंट का डायरेक्शन निकालो। देखो जब ये नॉर्थ टू साउथ ये आपको मैग्नेट दे रखी है, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, मतलब कि नॉर्थ पोल इस पी क्यू कॉइल से दूर जा रहा है। तो बेटा अब बार अ सोलोनॉइड, ये एक कॉइल है जो कि सोलोनॉइड के जैसे बिहेव करती है, और सोलोनॉइड विल बिहेव लाइक अ बार मैग्नेट। ये हम पढ़ के आए हैं, बार मैग्नेट है। तो बेटा इसमें क्या होगा, एक एंड नॉर्थ के जैसे बिहेव करेगा, एक साउथ के जैसे बिहेव करेगा, ठीक है। तो बेटा अगर नॉर्थ दूर जा रहा है, पी क्यू के लिए नॉर्थ दूर जा रहा है, तो वो इस चेंज को अपोज करेगा, वो उसको दूर नहीं जाने देगा। वो क्या कहेगा, भैया तुम दूर मत जाओ, हमारे पास ही रहो। तो अगर पास रहना है तो यहाँ पे कौन सा क्यू, इस एंड पे क्या प्रोड्यूस होना चाहिए, साउथ, हाँ या ना। साउथ और नॉर्थ एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, हमें उस नॉर्थ को दूर नहीं जाने देना है। तो दूर कैसे नहीं जाने देंगे, साउथ प्रोड्यूस करके। बेटा अगर आप साउथ प्रोड्यूस करोगे और इस तरीके से एरो बनाओगे, तो क्या हमको करंट का डायरेक्शन पता लग रहा है। अपना थंब निकालो और घुमा दो हाथ, क्या क्लॉकवाइज आ रहा है। तो पी क्यू वायर के अंदर करंट का डायरेक्शन क्या होगा, क्लॉकवाइज, ठीक है। अब आ जाओ आप सी डी के अंदर। बेटा सी डी भी एक कॉइल है जो कि सोलोनॉइड के जैसे बिहेव करेगी, सोलोनॉइड एक बार के जैसे बिहेव करेगा, साउथ इसके अंदर घुस रहा है। तो सी डी के अंदर इस तरीके से करंट प्रोड्यूस होगा कि वो इस चेंज को अपोज करेगा, मतलब ये साउथ को वेलकम नहीं करेगा, ये कहेगा भैया दूर जाओ। तो कैसे दूर जाएगा, साउथ और साउथ रिपेल करते हैं एक दूसरे को, तो ये यहाँ पे साउथ प्रोड्यूस करेगा। अगेन सी डी में भी पी क्यू में भी क्लॉकवाइज, और इधर भी सी डी में भी इस एंड पे कौन सा साउथ पोल बना है, तो करंट का डायरेक्शन फिर से क्या आने वाला है, क्लॉकवाइज, ठीक है। तो प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन ईच कॉइल, ये आपने बता दिया, आई होप ये क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ द क्लोज्ड लूप पी क्यू आर एस ऑफ वायर इज मूव्ड इनटू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल्स टू द प्लेन ऑफ द पेपर एज शोन इन द फिगर। प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द लूप। बेटा इसको आप अंदर घुसा रहे हो, किसको, एक रेक्टेंगुलर लूप आपको दे रखा है, अ क्लोज लूप पी क्यू आर एस, चाहे रेक्टेंगुलर हो, स्क्वायर हो, फिगर से अभी मैं ये रेक्टेंगुलर देख रहा है, ये अंदर घुस रहा है।
तो अंदर घुसने में क्या हो रहा है, बी इंक्रीज हो रहा है, दैट इज द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस जो इस लूप के अंदर आ रही है वो इंक्रीज हो रही है कंटिन्यूसली. करंट क्या करेगा और वो कौन से डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस कहाँ है, अंदर की तरफ. लेंस लॉ क्या कहता है, लेंस लॉ ये कहता है कि भैया वो इस चेंज को अपोज करेगा. क्या चेंज है बच्चों, चेंज है इंक्रीजिंग मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस अंदर की तरफ. तो वो क्या चाहेगा, वो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस बाहर की तरफ प्रोड्यूस करना चाहेगा, मतलब करंट का डायरेक्शन इस तरीके से बनाएगा, इस तरीके से करंट इंड्यूस करेगा सो दैट मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस बाहर की तरफ आए. तो अगर आप थंब बाहर की तरफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस को थंब के डायरेक्शन में रखते हो बाहर की तरफ, तो जरा अपनी फिंगर्स कर्ल करो. फिंगर कर्ल करके क्या डायरेक्शन आ रहा है, क्या सब बच्चों का ये डायरेक्शन आ रहा है, दैट इज पी एस आर क्यू पी. देखो जरा, पी एस आर क्यू पी इज द डायरेक्शन ऑफ करंट. फिर से समझना चाहोगे, एक बार फिर से देखो, अंदर की तरफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस बढ़ रही है क्योंकि हम इस लूप को मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस के अंदर लेके आ रहे हैं कंटिन्यूसली. तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस एंटरिंग द लूप इज इंक्रीजिंग. लेंज लॉ इसको अपोज करेगा. कैसे अपोज करेगा, अगर अंदर की तरफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस बढ़ रही है तो वो बाहर की तरफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस को प्रोड्यूस करना चाहेगा, तो ये अपने कॉज को अपोज करेगा. तो बाहर की तरफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस प्रोड्यूस करने के लिए करंट का डायरेक्शन कैसे आ रहा है, पी एस आर क्यू पी. हुआ क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. वेरी फेमस क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अब समझने को के लिए बहुत अच्छे से तैयार हो जाओ इस क्वेश्चन को. नॉर्थ पोल के क्वेश्चन में आप लोगों के लिए पढ़ देती हूँ. इन अ गिवन फिगर मार्क द पोलैरिटी ऑफ द प्लेट्स ए एंड बी ऑफ अ कैपेसिटर व्हेन द मैग्नेट्स आर क्विकली मूव टुवर्ड्स द कॉइल. बी इधर लेफ्ट से जो मैग्नेट है वो भी अंदर घुस रही है, इधर राइट से जो मैग्नेट है वो भी अंदर घुस रही है, दोनों मैग्नेट अंदर घुस रही है. तो बच्चे दोनों के कारण, नॉर्थ के कारण जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेज बनेगी क्या बेटा वो इस तरह की होगी, क्या बोलते हो, सही है? बिल्कुल सही है. हाँ, अगर ये सही है तो आप मुझे ये बताओ कि ये जो साउथ है इसके कारण भी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही है. तो कुल मिला के अगर मैं इस लूप की बात करूं, इस लूप में अगर मैं बात करूं तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में आ रही है, एक ही डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही है. बी इंक्रीज हो रहा है, बी इज इंक्रीजिंग. तो बेटा इस मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स के बहुत अच्छे से समझेंगे हर एक बच्चा, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना है आप लोगों को. तो आप देखो, अगर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो करंट इस डायरेक्शन की मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस के कारण इस डायरेक्शन में फ्लो होना चाहिए. लेंज लॉ इसको क्या करेगा, अपोज करेगा. अगर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस बी इंक्रीज हो रही है इस डायरेक्शन में, तो वो बी को बहुत आराम से समझेंगे, बी को कौन से डायरेक्शन में प्रोड्यूस करेगा, इस डायरेक्शन. बी अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, लेंज लॉ बी को किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस करना चाहेगा, अपोजिट डायरेक्शन. अगर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस करना चाहेगा तो उसके लिए करंट कैसे फ्लो होगा, ऐसे. कैसे फ्लो होगा बेटा, ऐसे. ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन होगा ये. बहुत आराम से समझेंगे, ये जो मैंने एरो बताया है ये इंड्यूस करंट का डायरेक्शन है बेटा, ये इंड्यूस करंट का डायरेक्शन है. करंट हमेशा क्या कैरी करता है, करंट कैरी पॉजिटिव चार्ज, करंट कैरी पॉजिटिव चार्ज. ये हम सब लोग पढ़ के आए हैं, करंट हमारे अपने साथ पॉजिटिव चार्ज को कैरी करता है. तो बी से अगर आप अब इधर मार्क करेंगे तो बेटा क्या यही डायरेक्शन आ रहा है करंट का, हम यही समझा रहे हैं करंट ऐसे फ्लो करेगा, इंड्यूस करंट. तो बी से पॉजिटिव चार्ज निकल के ए में जमा हो रहा है,
एक कोई भी प्लेट को अगर आप कंसिडर करो तो क्या कोई प्लेट पे इनिशियली कोई चार्ज होता है? द नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज आर इक्वल, जितना नेगेटिव चार्ज होता है उतना ही पॉजिटिव चार्ज होता है। इस बी प्लेट से आपने पॉजिटिव चार्ज निकाल लिया, अगर निकाल लिया तो इसके पास पीछे क्या रह जाएगा? नेगेटिव चार्ज। तो बी प्लेट क्या अक्वायर कर लेगी? नेगेटिव चार्ज। तो क्वेश्चन आपसे पूछा है कि पोलैरिटी बताओ ए और बी की, तो क्या सब बच्चे बता देंगे? ए प्लेट विल बिकम पॉजिटिव एंड बी प्लेट विल बिकम नेगेटिव। अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आ रहा है समझ में? एक बार फिर से समझा दें। लेफ्ट हैंड मैग्नेट, लेफ्ट साइड की मैग्नेट से भी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस लेफ्ट टू राइट जा रही है, साउथ राइट हैंड साइड की मैग्नेट के कारण भी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस लेफ्ट टू राइट ही जा रही है, दोनों के कारण मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस का डायरेक्शन ये आ रहा है। तो इंड्यूस करंट इस तरीके से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स को प्रोड्यूस करेगा कि इस चेंज को वो अपोज करेगा। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही है तो बेटा वो क्या करेगा? अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस करेगा। ये अपोजिट डायरेक्शन देख सकते हो, और इस अपोजिट डायरेक्शन हमें ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस लेंज लॉ प्रोड्यूस करेगा। कैसे? अपना राइट हैंड निकालो, अगर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस राइट टू लेफ्ट जा रही है तो फिंगर्स को आप कर्ल करोगे तो ये करंट का डायरेक्शन आ जाएगा। तो बी से पॉजिटिव चार्ज निकल के ए में सबमिट हो रहा है तो ए विल बिकम पॉजिटिव, बी विल बिकम नेगेटिव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। What is the direction of induced current in metal rings 1 and 2 when current I in the wire is increasing steadily? Current I wire में continuously बढ़ रहा है। तो बच्चे फिर से एक तो अपनी fingers को बाहर निकालो, ठीक है? ये देखो मैं आपको समझाती हूँ, बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आने वाला है। I कैसा है? Increase हो रहा है। मैंने अपना राइट हैंड निकाला, राइट हैंड की थंब को पुट किया इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो मेरी फिंगर्स विल गिव मी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस। तो बेटा ऊपर वाली फर्स्ट लूप में जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस है वो बाहर की तरफ आ रही है, ठीक है, इस डायरेक्शन में, ठीक है? तो लेंज लॉ इसको अपोज करेगा। कैसे अपोज करेगा बेटा? कैसे करेगा अपोज? बाय प्रोड्यूसिंग द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस इन अपोजिट डायरेक्शन। तो वो अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस करेगा। तो अगर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस मैं अंदर प्रोड्यूस करना चाहती हूँ, लेंज लॉ मुझे कहता है कि भैया अपोज करो इस चेंज को। क्या चेंज है? जो ये बाहर की तरफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस बढ़ रही है उसको अपोज करो। तो हमने कैसे अपोज किया? अंदर की तरफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस को प्रोड्यूस करके। तो करंट का डायरेक्शन क्या आ रहा है? हाथ घुमाओ जरा, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। इसमें करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इंड्यूस्ड होगा। अब नीचे आ जाओ, नीचे जब हाथ घुमा के आप आए तो सेकेंड वायर में मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस बढ़ रही है अंदर की तरफ। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस कहाँ बढ़ रही है बच्चों? अंदर की तरफ। तो जब मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस अंदर की तरफ बढ़ रही है तो लेंज लॉ इस चेंज को अपोज करेगा। कैसे? मैग्नेटिक फील्ड को बाहर की तरफ प्रोड्यूस करके। बाहर की तरफ प्रोड्यूस करना, थंब बाहर और ये हाथ कैसे घूम रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। तो इसमें करंट कौन से डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा? एंटी क्लॉकवाइज। यस, इज दिस क्वेश्चन क्लियर टू एवरीवन? आ रहा है समझ में? आगे बढ़ सकते हैं हम? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट ये क्वेश्चन आपको आ जाएगा क्योंकि हमने इससे डिफिकल्ट वाला कर लिया। इन द गिवन फिगर अ बार मैग्नेट इज क्विकली मूव टुवर्ड्स अ कंडक्टिंग लूप हैविंग अ कैपेसिटर। बेटा इस लूप में हमने कैपेसिटर लगा दिया है और ये मैग्नेट को इस तरीके से मूव कर रहे हैं कि इसका नॉर्थ लूप की तरफ बढ़ रहा है, तो यहाँ की मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस इंक्रीज हो रही है। कौन से डायरेक्शन की? बी, इंक्रीजिंग इन दिस डायरेक्शन। लेंज लॉ क्या करेगा? इस चेंज को अपोज करेगा। बेटा कैसे अपोज करेगा? मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस को अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस करेगा बी को, ठीक है? तो अगर इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस करता है तो करंट का डायरेक्शन घुमाओ हाथ, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस बी इस तरफ, ये हाथ घुमाया, सब लोग अपना हाथ घुमा के देखोगे तो करंट का डायरेक्शन बच्चे ये आ रहा है, ठीक है? ये मतलब क्या? इसको आप देखो, ये इस तरफ तो ये आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज। अगर आप लेफ्ट से देखते हैं तो फ्रॉम लेफ्ट
फ्रॉम लेफ्ट इट विल बी एंटी क्लॉकवाइज. ठीक है, आ रहा है समझ में? फिर से बता दूं, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस कहाँ बढ़ रही है? नॉर्थ मूव कर रहा है लूप की तरफ, तो इस डायरेक्शन में लेफ्ट टू राइट मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस बढ़ रही है. बेटा ये लेफ्ट है, ये राइट है, तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस लेफ्ट टू राइट बढ़ रही है. लेंज लॉ क्या करेगा? इसको अपोज करेगा. किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स को प्रोड्यूस करना चाहेगा? राइट टू लेफ्ट. तो अपनी फिंगर को रखो, थंब को रखो इन अ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस, तो आपको फिंगर, ये कर्लिंग फिंगर अपने आप करंट का डायरेक्शन दे देगी. करंट का डायरेक्शन बी टू ए, मतलब बी से पॉजिटिव चार्ज चालू होगा जाना ए की तरफ, ए पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और बी पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज. अभी देखा था एक प्लेट पहले न्यूट्रल होती है, तो अगर आप उसमें से सारा पॉजिटिव चार्ज खींच लोगे तो पीछे क्या रह जाएगा? नेगेटिव रह जाएगा. न्यूट्रल मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज बराबर होता है. बढ़े आगे, चलो आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं. अ करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर पासेस इनसाइड अ ट्रायंगुलर कॉइल. बेटा ये एक ट्रायंगुलर कॉइल दे रखा है और इसमें जो आए करंट है वो अंदर की तरफ ऐसे, ठीक है. अगर मैं अपनी स्क्रीन पे देखूं तो ये स्क्रीन में अगर मैं करंट को अंदर की तरफ घुसाऊं इस तरीके से, आर यू गेटिंग, आ रहा है सबको समझ में? एक ट्रायंगल के अंदर घुसा दो, तो इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है. इनसाइड अ ट्रायंगुलर लूप द करंट इन द वायर इज परपेंडिकुलर टू द पेपर इनवर्ड. अगर ये मेरी पेपर बना रहा है तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस, सॉरी करंट वायर अंदर है, ये प्लेन और इस प्लेन के ये परपेंडिकुलर वायर, आ रहा है समझ में? मेरा हाथ प्लेन है जिसके अंदर ट्राइंगल है और ये वायर इस तरीके से उससे परपेंडिकुलर. फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इफ द करंट इन द वायर इज इंक्रीजिंग. ये अंदर की तरफ जो करंट है बेटा वो इंक्रीज कर रहा है. अब आपको फिर से अपना राइट हैंड निकालना है, थंब को करंट के डायरेक्शन में पॉइंट करना है, फिंगर को कर्ल करोगे तो बेटा फिंगर कर्ल होके इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस बी आ रही है. यस, तो इधर फिर से बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, बी जो है वो कहां बन रही है? इन द प्लेन. ठीक है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस जो आपकी बन रही है इन द प्लेन, और एरिया वेक्टर हमेशा क्या होता है? परपेंडिकुलर टू द प्लेन. एरिया वेक्टर क्या है? परपेंडिकुलर टू द प्लेन. तो बी और ए के बीच में एंगल क्या आ गया? बी इज परपेंडिकुलर टू ए, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फ्लक्स? बी ए कॉस 90 डिग्री, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फ्लक्स? फ्लक्स इज जीरो, चेंज इन फ्लक्स इज जीरो, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड करंट विल बी जीरो ओवर हेयर. क्या ये बात समझ में आ रही है? ई क्या होता है? डी फाई बाय डी टी. तो अगर फ्लक्स ही जीरो हो गया तो चेंज इन फ्लक्स भी जीरो होगा, इंड्यूस ईएमएफ भी जीरो होगा, आपका करंट प्रोड्यूस विल बी जीरो. सो ये 8 क्वेश्चन मैंने काफी डिटेल में अपने हिसाब से समझाने की बहुत अच्छी कोशिश करी है. लेट मी नो ऑन द कॉमेंट सेक्शन कि आपको क्या सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं, आपको एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया है. तो आई विल वेट फॉर योर कॉमेंट एंड आप नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए. इससे पहले सब लोग बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहिए. चलिए.